ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैंने सर्कल और सेंटर दोनों स्क्रीन पे बनाया है। ये जो है आपका सर्कल है, ठीक है, ये जो है आपको जो राउंडिंग फिगर दिख रही है ये सर्कल है, और जो इसके बीचों बीच रीजन में जो भी आपके पॉइंट जो भी डॉट दिख रहा है वो सेंटर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनसे, इस सर्कल से रिलेटेड कुछ स्मॉलेस्ट टर्म्स के बारे में, जैसे आपका रेडियस हो गया, कॉर्ड हो गया, टेंजेंट हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस क्या होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, पॉइंट और सर्कल के बाउंड्री के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल का पॉइंट्स हो गया और ये बाउंड्री हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। मैंने क्या ड्रॉ किया है, सर्कल के पॉइंट्स से, सर्कल का सेंटर से लेके और सर्कल के बाउंड्री तक आपको दिख रहा होगा, ये सारे ये रेडियस हैं आपके, ठीक है ना। बाउंड्री से लेके ये आपका सर्कल का क्या है, देखा जाए अगर तो ये है आपका सर्कल का सेंटर, ठीक है, और ये सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये है आपका रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल इसको बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को रेडियस समझ में आ गया होगा। रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल, सेंटर और बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमीटर का, ठीक है। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि जो सर्कल के सेंटर और बाउंड्री के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोलते हैं। अब इसका रेडियस का टर्म आएगा डायमीटर में, यानी कि डायमीटर देखिए क्या होता है, दोज लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। यानी कि जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होता है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो लाइन आपका सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए, दोज लाइन विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। देखते हैं इसको, सपोज करिए कि ये आपका रहा लाइन जो क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। ये आपका सर्कल का सेंटर है, ये तो सर्कल का सेंटर रहा था और सर्कल के सेंटर से ये लाइन पास कर रहा था। तो अगर यह लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यह लाइन जो है आपका डायमीटर है। क्या है, डायमीटर है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी लाइन आपका सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, ये भी लाइन आपका सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, ये लाइन आपका सर्कल के सेंटर से पास किया, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इस तरह से जो भी लाइन आपके सर्कल के सेंटर से पास करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोल सकते हैं। ये आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आई होप कि आपको सर्कल का डायमीटर समझ में आ गया होगा, ठीक है।